अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बिग। बेस्ट बैटरी फॉर सोलर सिस्टम इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर के अंदर कोई सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो जाहिर है दिन के टाइम तो बिजली आपको मिलती रहेगी सोलर पैनल के जरिए से, लेकिन जब रात होगी, स्पेशली जब सर्दी का मौसम होता है, रातें लंबी हो जाती हैं, 5 बजे के बाद सूरज ग्रूब हो जाता है, तो जाहिर है आपको बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी 4-5 किस्मों की आती है पाकिस्तान के अंदर। एक तो पुरानी बैटरी है जो आप यूपीएस के अंदर यूज करते थे, या अपनी गाड़ियों के अंदर एसिड वाली बैटरी जिसके अंदर तेजाब डलता है या पानी डलता है बाद में, वो यूज करते हैं, एक तो वो बैटरी होती है। लेकिन सोलर के लिए लोग रिकमेंड नहीं करते उसको, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। सेकंड नंबर पे आती है ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी सोलर के लिए एक चॉइस है, जिसकी जो लाइफ है ना, तकरीबन 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक की लाइफ होती है ड्राई बैटरी की। ये 100 एम्पीयर की जो बैटरी इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है, वो 19,000 से लेकर 21,000 रुपए में ड्राई बैटरी मिल रही है, पाकिस्तानी भी और चाइना की बनी हुई भी। पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होती है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो ड्राई बैटरीज बना रही हैं। इस तरह चाइना से भी ड्राई बैटरीज यूज भी आती हैं, नई भी आती हैं। ठीक है, आपने अगर घर के अंदर कोई भी बैटरी लेनी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अपने घर की छत का साइज और आपका कितना बजट है और बिजली का कितने यूनिट्स आपको जून जुलाई के बिल में आते हैं। फर्ज किया जुलाई का आपका बिल आता है, उसमें 500 यूनिट आते हैं, तो आपको कौन सा, फर्ज किया 5 किलोवाट का फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोलर सिस्टम लगवा लेंगे ना, तो आपका काम सही रहेगा। 1,000 यूनिट अगर आपको आते हैं ना महीने के, जून जुलाई या अगस्त के महीने में, तो आपको 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। मैंने विंटर के जो नए पैकेजेस आए ना सोलर के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं, 5 किलोवाट का पैकेज, 8 किलोवाट का पैकेज, 10 किलोवाट का, फिर आपका जो है 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो कितने में लगता है, उसमें सोलर पैनल कितने के आएंगे, सोलर इन्वर्टर कितने के आएंगे, फिर उसके अंदर बैटरीज कितने की आएंगी, सारा कुछ मैंने बताया आपको। एक और चीज मैं आपको खुशखबरी दे दूं, फ्यूचर के अंदर 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बैटरीज की कीमतें भी नीचे आएंगी, इन्वर्टर्स की कीमतें भी नीचे आएंगी, जैसे कि सोलर पैनल्स की कीमतें नीचे आई हैं, जैसे कि बाकी कमोडिटीज की चीजों की कीमतें नीचे आई हैं। स्टील की कीमत आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लोहे की कीमतें नीचे आई हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी की कीमतें नीचे आई हैं, दालों की कीमतें नीचे आई हैं, और बेशुमार जो प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे आई हैं। अब मजीद इंशाल्लाह नीचे आएंगी क्योंकि डॉलर का रेट भी नीचे आ गया। अब दूसरे नंबर पे आती है ट्यूबुलर बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी भी सोलर के अंदर सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा बल्कि चलती है ट्यूबुलर बैटरी है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है, और इसकी कीमत भी मुनासिब है। इसकी 20,000 से शुरू होती है, 24,000 के दरमियान में जाती है 100 एम्पीयर की बैटरी। 100 एम्पीयर 20,000 से 24,000 के दरमियान में मुख्तलिफ ब्रांड है जो बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में है, कराची में है, और मुख्तलिफ शहरों में ये बनाते हैं। और अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो चाइना से भी आती हैं ये बैटरीज। ठीक है, नंबर थर्ड इज लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज ज्यादातर इस वक्त जो आ रही हैं वो पाकिस्तान में चाइना से आ रही हैं, जर्मनी से आ रही हैं, या अमेरिका से आ रही हैं। जर्मनी, अमेरिका और चाइना से, जर्मनी और अमेरिका से जो बैटरीज आ रही है वो थोड़ी यूज होती है, 1.5 साल यूज, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल से लेकर 10 साल तक होती है, 5 साल तो कम अज कम होती है, और 2000 साइकिल कहते हैं। 2000 साइकिल का मतलब है एक दफा आप चार्ज करोगे ना तो वो एक साइकिल होगा। मोबाइल की बैटरी होती है ना आपकी, आप एक दफा चार्ज करोगे तो एक साइकिल गुजर जाएगा, दूसरी दफा चार्ज करोगे दूसरा साइकिल हो जाएगा, तीसरी दफा चार्ज करोगे तीसरा साइकिल हो जाएगा। इसीलिए उसकी मोबाइल की जो बैटरी है वो भी 4 से 5 साल चलती है। 5 साल या 4 साल के अंदर अंदर आपका मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसकी बैटरी भी खराब हो जाती है, क्योंकि आप जब बार बार उसको चार्ज करते हैं, फर्ज की आधी अभी आपकी चार्जिंग हुई है मोबाइल की, और आप फिर दोबारा उसको चार्जिंग पर लगाते हैं, तो एक साइकिल आपका खत्म हो गया। टोटल आपके 2000 साइकिल आपको मिले थे, यानी 2000 जिंदगियां मिली थी, 2000 लाइफ मिली, लाइफ साइकिल्स मिले थे आपको। एक साइकिल आपने आज चार्ज किया, सुबह चार्ज किया तो उस साइकिल खत्म हो गया, दोपहर को आपने दोबारा चार्जिंग पे लगा दिया दूसरा साइकिल खत्म हुआ, शाम को आपने तीसरी दफा मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया तीसरा साइकिल खत्म हुआ, रात को फिर चार्जिंग पे लगाया तो चौथा साइकिल खत्म हो गया। इस तरह क्या होता है 365 दिन के अंदर, समझो 365 को 4 से तरफ दे तो 1000 साइकिल आपके 1 साल में खत्म हो गए, तो 2 साल के अंदर आपकी बैटरी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2000 साइकिल की बैटरी होती है, वो भी लिथियम बैटरी होती है ना आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो आपका मोबाइल है उसको दिन में बार बार चार्ज ना करें, सुबह एक बार चार्ज करें, फुल 100% कर लें, जब वो खत्म होने वाला हो 15% पे आए तो फिर चार्जिंग में लगाएं। नेक्स्ट इज लिथियम आयन बैटरी इंटरनेशनल मार्केट में कितने की है। Alibaba.com पे जाएं, या MadeInChina.com पे जाएं, या ग्लोबल सोर्सिंग वेबसाइट पे जाएं, या और भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पे आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम बैटरीज जो है $90 की 100 एम्पीयर की मिल जाएगी। $90 पाकिस्तान में अगर 280 रुपए का भी डॉलर हो तो उसे मल्टीप्लाई करें तो 25,000 रुपए की पड़ती है, 25,000 रुपए की
बैटरी पड़ रही है आज के दिन में, लेकिन लाहौर आप पता करें, कराची में पता करें, दुकानदार जो स्पेशली सोलर पैनल बेच रहे होते हैं वो कहते हैं जी हम 100 वाट की जो 100 एम्पीयर की जो बैटरी है वो देंगे 1.5 लाख रुपए की, और 200 एम्पीयर वाली जो बैटरी है वो दे रहे होते हैं 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के अंदर। यानी मतलब ये उनको जो चीज 25,000 रुपए में आई है वो आपको दे रहे हैं 1.5 लाख में, और जो उनको आई है 50,000 रुपए में वो दे रहे हैं आपको 2.5 लाख रुपए में। मतलब है कि बैटरीज के अंदर भी वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, सोलर पैनल्स के अंदर भी कमा रहे थे पैसे बहुत। चलो अब ये उसका फायदा ये हो गया, हर बंदा इंपोर्ट करने लग पड़ा पाकिस्तान के अंदर, जो चावल इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था, जो कपड़े इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता था वो भी उसने क्या कि यार सोलर पैनल 35 रुपए वाट के हिसाब से चाइना से मिलता है और इधर हम 100 रुपए वाट बेच सकते हैं। यानी कि मतलब ये कि आपने 10 करोड़ रुपए के सोलर पैनल लिए और अगले महीने आपके वो 30 करोड़ के बिक गए, तो कितना प्रॉफिट है। अब लोगों ने इन्वर्टर भी इस तरह करने शुरू कर दिए, लोगों ने इन्वर्टर भी चाइना से इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, उसके ऊपर अपना लेबल लगा लेते हैं, अपनी मोहर या अपना स्टिकर लगा लेते हैं, ये हमारा है। प्रिंट भी हो जाता है लाहौर के अंदर, बेशुमार प्रिंटिंग प्रेस है जहां से आप कोई भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं, इन्वर्टर के ऊपर आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो ये है कि वो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट करें। मैं भी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी एक छोटी सी दुकान भी है जो आप सोलर के इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट चाइना से ले लें, आप 50 पीस बनवा लें चाइना से, 100 पीस ले लें, उसके ऊपर अपना नाम लिख लें, जो भी आपकी दुकान का नाम है वो आप इन्वर्टर के ऊपर वो लिख लें और अपने नाम से वारंटी दें। अगर कोई चीज खराब होती है तो आप उसको ठीक करके दें या रिप्लेस करके दें, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर इन्वर्टर 50,000 का पड़ता है और बाजार में वही इन्वर्टर आपको 2.5 से 3 लाख का मिल रहा है तो आपको क्या जरूरत है 50,000 का ले 60,000 का बेचें, हम आपको भी फायदा दें, ठीक है ना, उसको वारंटी भी खुद से दें। आगे आ जाए नरादा बैटरी। नरादा बैटरी जो है ना वो आपके 100 एम्पीयर इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए में मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा कीमत है। इन माय व्यू इट शुड नॉट बी मोर देन 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं जो 1.5 से 2.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं लोग। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बैटरीज लेनी है या इन्वर्टर्स लेने हैं या आपको दुकानदार है तो यू मस्ट बाय फ्रॉम alibaba.com या madeinchina.com, globalsourcing.com या कोई भी आप ऐसे सोर्सिंग फर्म को तलाश करें जो चाइना से आपको माल पाकिस्तान में प्रोवाइड कर दे और एट दिस रेट जो कि मार्केट रेट है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।